भारत का विशिष्ट शोधन, भारत के जो अष्ट महादोष बताए गए हैं उन दोषों को अलग अलग दूर करने की जो हम विधि अपनाएंगे उसे हम विशिष्ट शोधन कहेंगे। सबसे पहले हम नाग दोष का शोधन करेंगे। इसके लिए धूम मिष्टिका हट विलासिनी नाम स्वर्णस्तु चूर्णे परिमर्धम सुतम प्रक्षालयेद अम्ल जलेन सम्यक ततो रसो मुंचति नाग दोषम, जो कि रसतरंगड़ी अध्याय 5 का 22 श्लोक है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले एक खरल लेते हैं जो कि लोहे या पत्थर का होना चाहिए, उसमें हम पारद को डाल देंगे। उसके बाद धूम यानी ग्रह धूम, जहां पर चूल्हे जलाए जाते थे उन दीवारों पर धुआं धीरे धीरे जमा होकर के कृष्णवर्ण का परत बना लेता है। इस को हम खरोच करके निकाल लेंगे, जिसे हम कहेंगे ग्रह धूम। इष्टिका ईंट का चूर्ण, हट विलासिनी नाम यानी हल्दी, सोड़ेस्तु बारीक कटा हुआ ऊन, चूर्ण, इन सबको हम चूर्ण बना लेंगे। परिमर्धम सुतम, सुतम यानी पारद के साथ खरल में डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करेंगे। जब अच्छी तरह से मर्दन हो जाए, प्रक्षालयेद अम्ल जलेन, हम अम्ल जल यानी कांजी आदि से जो खट्टे द्रव्य होते हैं उससे हम अच्छी तरह से प्रक्षालन कर लेंगे यानी धुल लेंगे सावधानी पूर्वक। ततो रसो मुंचति नाग दोषम, इस प्रकार की क्रिया करने से पारद नाग दोष से मुक्त हो जाता है और हमें शुद्ध पारद प्राप्त हो जाता है। वंग दोष शोधन, वंग दोष को शोधन करने के लिए मृग इच्छण अंकोल निशोथ चूड़े सुतो जहाती हितु वंग दोषम, जो कि रसतरंगड़ी अध्याय 5 का 23 श्लोक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, खरल में पारद को डाल लेंगे, फिर उसमें मृग अच्छण यानी इंद्रायण, अंकोल अंकोल, निशोथ निशा यानी हरिद्रा, चूर्ण सभी का चूर्ण बना लेंगे यानी इंद्रायण अंकोल और हरिद्रा, इनको अच्छी तरह से चूर्ण बना करके पारद के साथ खरल में एक दिन तक मर्दन करेंगे। सुतो जहाती तु वंग दोषम, सूत यानी पारद के साथ जहाती यानी मर्दन करेंगे। फिर जब अच्छी तरह से मर्दन हो जाए तो अम्ल जल से प्रक्षालन कर लेंगे, जिससे कि शुद्ध पारद हमें प्राप्त हो जाता है। अग्निदोष शोधन, अग्निदोष शोधन करने के लिए हम खरल में पारद को डाल करके उसमें चित्रो अग्निदोष विनिहंति शीघ्रम, जो कि रसतरंगड़ी अध्याय 5 का 23 श्लोक है। चित्रो अग्निदोष, चित्रक चूर्ण के साथ पारद को अच्छी तरह से एक दिन तक मर्दन करेंगे। मर्दन करने के बाद पारद को अम्ल जल से प्रक्षालन कर लेंगे, जिससे पारद शुद्ध हो जाता है, पारद में जो अग्नि दोष होता है वह दूर हो जाता है। मल दोष शोधन, पारद से मल दोष को दूर करने के लिए हम सबसे पहले पारद को खरल में डालेंगे, उसके बाद दोषम मलोत्थम खलु राज वृक्षा, जो कि रसतरंगड़ी
अध्याय 5 का 23 श्लोक है। राजवृक्षा जिसे हम अमलतास कहते हैं का चूर्ण खरल में डालकर अच्छी तरह से एक दिन तक मर्दन करेंगे। सम्यक मर्दन होने के बाद अम्ल जल से प्रक्षालन करेंगे। प्रक्षालन करने के बाद हमें शुद्ध पारद प्राप्त हो जाता है, अर्थात मल दोष दूर हो जाता है, विष दोष का निवारण। विष दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, खरल में पारद को डालेंगे, उसके बाद उसमें हम त्रिफला, हरण, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को सम मात्रा में लेकर के उसका चूर्ण बना लेंगे। फिर उसको हम खरल में डाल करके अच्छी तरह से एक दिन तक मर्दन करेंगे। जब सम्यक प्रकार से मर्दन हो जाए तो उसे हम अम्ल जल से प्रक्षालन कर लेंगे, जिससे कि पारद शुद्ध हो जाता है, पारद विष दोष रहित हो जाता है। विषा पहत्री विष दोष को दूर करने के लिए त्रिफला प्रशस्ता, त्रिफला प्रशस्त यानी अच्छा माना गया है। चापल्य दोष शोधन, चापल्यहारी खलु कृष्ण धूर्तो, जो कि रसतरंगड़ी 5वें अध्याय का 24 श्लोक है। चापल्यहारी खलु कृष्ण धूर्तो, चापल्य दोष को दूर करने के लिए कृष्ण काला, धूर्तो धतूरा, बीज या उसका पूरा पंचांग लेकर के उसे हम अच्छी तरह से पारद के साथ एक दिन तक खरल में मर्दन करेंगे। जब सम्यक रूप से मर्दन हो जाए तो अम्ल जल से प्रक्षालन कर लेंगे, जिससे कि पारद शुद्ध हो जाएगा, पारद से चापल्य दोष दूर हो जाएगा। गिरिदोष शोधन, गिरिदोष को दूर करने के लिए दोष गिरे त्रय उषणम आशु हन्यात, जो कि रस तरंगड़ी अध्याय 5 का 24 श्लोक है। त्रय उषण आशु हन्यात, त्रय उषण यानी पिपली, सोंठ और मरीच, इनको सम भाग में लेकर के अच्छी तरह से पीस लेते हैं, चूर्ण बना लेते हैं, जिसे हम त्रयभूषण या त्रिकटु कहेंगे। आशु बहुत ही जल्दी हन्यात हर लेता है दोष गिरे, गिरी दोष को, तो इसके लिए क्या करते हैं, खरल में पारद और त्रिकटु चूर्ण को लेकर के अच्छी तरह से एक दिन तक मर्दन करेंगे। जब सम्यक रूप से मर्दन हो जाए तो अम्ल जल से प्रक्षालन कर लेंगे, जिससे पारद शुद्ध हो जाएगा, पारद गिरी दोष से रहित हो जाएगा। ऐसा है अग्नि दोष शोधन, त्रिकंठ को बन्ने आशहत्व दोषम, जो कि रसतरंगड़ी 5वें अध्याय का 24 श्लोक है। त्रिकंटक यानी गोक्षुर चूर्ण को लेकर के हम पारद के साथ खरल में अच्छी तरह से एक दिन तक मर्दन करेंगे। मर्दन करने के पश्चात अम्ल जल से उसका हम सावधानी पूर्वक प्रक्षालन कर लेंगे, जिससे पारद शुद्ध हो जाएगा, पारद असह अग्नि दोष से रहित हो जाएगा। इस प्रकार पारद का विशिष्ट शोधन पूरा हुआ।